हेलो, वेलकम टू एसएससी मसाला। ये मसाला जरूरी है दोस्तों। सीजीएल 2020 का एग्जाम अगस्त 2021 में 21 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और बुक्स एंड ऑथर्स के 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नॉवेल रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ। तो रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ, ये नॉवेल यानी कि उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत फेमस हैं। इन्होंने गोदान लिखी थी, गोदान तो सबको पता होगा, काफी फेमस है। और इन्होंने गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अभी जो रामचंद्र गुहा है, ये एक हिस्टोरियन यानी इतिहासकार है, साथ में एनवायरमेंटलिस्ट और राइटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। तो इस बुक के ऑथर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा झुंपा लहिरी। दोस्तों ये फेमस राइटर है, ये एक अमेरिकन ऑथर है, ठीक है, ये अमेरिका की है लेकिन इंडियन ओरिजिन की है, यानी भारतीय मूल की है। ये जो बुक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, इसको 1999 में पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। तो जिन बुक्स को प्राइज मिलता है, कोई भी प्राइज मिलता है, वो बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। तो सिर्फ वो बुक्स नहीं जो कि पॉपुलर हैं, अगर कोई राइटर पॉपुलर है तो उसकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज धनपत राय श्रीवास्तव बेटर नोन एज। धनपत राय श्रीवास्तव को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद का असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा दैट विल नरेट द फिनोमिनल पोएम द लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट द लाइट ऑफ एशिया एक पोएम थी, ठीक है, उसको नरेट करते हुए यानी उसका वर्णन करते हुए एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। तो ये बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। ये जो जयराम रमेश है, ये एक पॉलिटिशियन है जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन इन व्हाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुल केसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इन ग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। दोस्तों ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर एक फेमस राइटर हैं, इनकी जो भी बुक्स होती हैं मतलब सारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इनकी चार बुक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं। पैक्स इंडिका करके है, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड बियॉन्ड, एंड एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और केरला गॉड्स ओन कंट्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अबोड ऑफ लव। तो अबोड ऑफ लव किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी ने। तो भाई फेमस लोग बुक लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएगी, एग्जाम में आ ही जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नॉवेल गोरा। गोरा नाम का उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने गीतांजलि भी लिखी है, गीतांजलि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार इनका दूसरा नॉवेल पूछ लिया गोरा। तो दोस्तों इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एसएससी मसाला, स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।